हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारे चैनल सेमी नेशन। अभी दो दिन पहले मैंने हिमालयन 450 ली थी और अभी मैं आ रखा हूं उसकी एक्सेसरीज फिट करवाने के लिए रॉयल एनफील्ड साकेत में। तो ये खड़ी हुई हमारी बाइक और अभी एक्सेसरी फिट होने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये बिल्कुल स्टॉक बाइक है, अभी इसके अंदर हमने कुछ भी एक्सेसरी फिट नहीं करवाई है, ना ही आफ्टर मार्केट, ना ही कंपनी से। यहाँ पर इसकी जो ग्रिल आती है कंपनी फिटेड आती है, ये जो रखी हुई है ये भी हम चेंज करा रहे हैं। और पूरी वीडियो देखना, मैं आप लोगों को सारी एक्सेसरीज दिखाऊंगा और एंड में आप लोगों को बताऊंगा उनके प्राइजेस। तो यहाँ पे आ चुकी है हमारी सबसे पहली एक्सेसरी विंड स्क्रीन, अभी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। एक बार दिखाना इसकी, तो ये है जो भी हम इसमें फिट कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये इसमें पहले से लगी हुई थी। मैं ये चेंज करवा के ये इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, आप देख सकते हो। तो जब मैं हाईवे पे राइड करूँगा तो जो विंड ब्लास्ट से मैं बच जाऊँगा। तो ये है अंकित भाई और जितनी भी एक्सेसरीज है आज यही फिट कर रहे हैं हमारी बाइक में सारी। भाई ऐसी फिटिंग कर देना जो आज तक किसी बाइक में नहीं करी होगी। तो फाइनल लुक कुछ ऐसी आती है इसकी, देखो कितनी मस्त लग रही है। और जो पहले वाली थी जो कंपनी फिटेड आती है उसकी हाइट सिर्फ इतनी थी, और ये देखो ये कम से कम 4 से 5 इंच और ऊंची है, जिसकी वजह से जो विंड ब्लास्ट है जब आप हाईवे पे राइड कर रहे होते हैं तो विंड ब्लास्ट से बच जाएंगे। एटलीस्ट मेरी नेक तक तो कोई भी विंड ब्लास्ट नहीं आने वाला इसकी वजह से। तो दोस्तों यहाँ आ चुका है हमारा सेकेंड प्रोडक्ट और ये है इसकी हेडलाइट ग्रिल। ये देखो यहाँ पर फिट हो रही है हमारी ग्रिल, और जो स्टॉक बाइक है उसमें कोई भी ग्रिल नहीं आती। ग्रिल लगाने के दो फायदे हैं, एक तो जब छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है उसमें जो भी माइनर स्क्रैचेस होते हैं उससे बच जाते हैं आप, दूसरा थोड़ी जो उसकी लुक है थोड़ा स्टाइलिश हो जाती है बाइक आगे से देखने में। पहले मैं सोच रहा था कि ये सारी एक्सेसरीज बाहर से फिट कराऊँ। आफ्टर मार्केट में जो रॉयल एनफील्ड की सबसे अच्छी एक्सेसरीज जहाँ पर मिलती है वो है जाना। मैं जाना गया, मैंने वहाँ पर सारी एक्सेसरीज़ के रेट पूछे तो सिर्फ टॉप बॉक्स को छोड़ के बाकी सारी एक्सेसरीज़ के रेट ऑलमोस्ट सेम थे। फिर मैंने सोचा कि जब इतने पैसे देने ही हैं तो क्यों ना रॉयल एनफील्ड से ही मैं सारी एक्सेसरीज परचेज करूं। यहाँ पे फिट हो चुकी है हमारी हेडलाइट ग्रिल और देखो कितना, मतलब एक ग्रिल लगने से कितनी ज़्यादा लुक चेंज हो गई है बाइक की। देखो यहाँ आ चुका है हमारा तीसरा प्रोडक्ट जो है इंजन गार्ड। और इससे जो हमारा ये पूरा इंजन है ना इसको प्रोटेक्शन मिलेगी ताकि जब भी कभी ये इन फ्यूचर गिरे, भगवान ना करे कभी गिरे, बट अगर कभी गिरे तो वो सारा का सारा जो लोड है वो इस इंजन गार्ड पे आ जाएगा। ये फिट हो चुका है हमारा इंजन गार्ड कम लेग गार्ड, लेग को भी ये प्रोटेक्ट करता है और इस तरीके से लग रहा है। देखो गाइस, अब हमारी अगली एक्सेसरी है टॉप बॉक्स माउंट। बेसिकली ये यहाँ पर फिट होगा और उसके ऊपर हमारा लगेगा टॉप बॉक्स। पहले जो है ये छोटा वाला फिट था, इसके ऊपर फिटिंग नहीं हो पाती टॉप बॉक्स की, इसीलिए मैं ये लगवा रहा हूँ। पाजी इसमें ब्लैक कलर नहीं आता? नो सर, ओनली फॉर सिल्वर में आता है। अच्छा, सिल्वर में ही आता है ये। तो यहाँ आ चुकी है हमारी फाइनल एक्सेसरी टॉप बॉक्स। ये हमारी सबसे मेन एक्सेसरी है क्योंकि अभी जो मैं टूर मारने वाला हूँ इसी में हमारा सारा सामान जाएगा। बेसिकली इसमें दो कलर आते हैं, एक सिल्वर, सिल्वर एंड ब्लैक ना। yeah. हाँ, और एक बार इसकी क्वालिटी देखो, मतलब जो इसकी फिट एंड फिनिश है ना वो एक नंबर है। और इसको लगाने के बाद हमारी जो बाइक है ना वो टूरिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और ये देखो, मतलब कितने बस ऐसे उठा के इसको फिट कर दिया, दैट्स इट। या अभी इसमें इसमें ना लॉक आता है इसको रोकने के लिए, जो वाइब्रेशन तो ये लेना। जो भी आप लगाओगे। यस। अच्छा, तो जैसे अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे उतारना है, सिंपल उतार सकते हो ये, लेकिन उसके लिए पहले नट खोलना पड़ेगा ये वाला। ये आप इजीली कर सकते हो। केबल जो ये नट है वो बिल्कुल सीधा एचडी नीचे जाएगा। ये टाइट करने के बाद इसको हम
ये पुश करते हैं जाम हो रही है। अच्छा तो ये जो लाल वाला है ये इसी के साथ है बेसिकली? यस सर। अच्छा ठीक है, तो अब ये मतलब अगर मैं इसको नॉर्मली उठाऊंगा तो नहीं उठेगा अभी? नहीं सर। और अगर मुझे इसको निकालना हो तो थोड़ा सा ये भी बता दो। निकालना हो इसको पैक खोलिए, इसको ओपन कीजिए एंड वापस पूरा इसको घुमाऊं, ये अपना बाहर आ जाएगा। ठीक है और ये बॉक्स बंद किया एंड हम आगे को टेस्ट करेंगे हवा में। अच्छा आगे को किया और हवा में उठा लेंगे। अच्छा देख इसमें रिफ्लेक्टर आते हैं हमारे साइड में लगाने के लिए, तो बाई चांस पीछे से रोशनी आए। अच्छा ये तो रात को काम आएंगे? हाँ जी ये रात को काम आएंगे, दो पीस आते हैं। ठीक है एंड आपका ये पीछे बंदे के लिए बैठने के लिए सीट आती है मैट्रेस के लिए, ये चीज़ हमारी लगे ना मतलब जो राइडर बैठेगा पीछे। तो अभी पाजी हमें पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि इसको किस तरीके से फिट करते हैं पूरा। तो ये तो बेसिकली लग गया है यहाँ पे राइट, ये एज चीफ यहाँ पे आ जाएगा एंड जो हमारा आएगा ये एज चीफ यहाँ पे आएगा। अच्छा ये यहाँ पे आएगा। हाँ तो ये पूरा बैक सपोर्ट मिल जाएगा ना उसको जो पिलियन बैठेगा। और पाजी इसकी वारंटी का क्या स्टेटस है मतलब? 3 साल की वारंटी। अच्छा जॉइंट्स ओपन हो रहे हैं या रस्टिंग हो रहे हैं? या अगर अच्छा मतलब रस्टिंग की और जो ये जॉइंट्स है इसके कहीं भी? अच्छा ओपन हो रहे हैं। अच्छा तो उसमें 3 साल की वारंटी है। तो रिपेयर करते हैं एक्सचेंज करते हैं? एक्सचेंज होता है। अच्छा ठीक है चलो, इतना पैसा ले रहे हैं तो कम से कम ये चीज़ तो बनती है देनी। एक तो फिट हो चुका है और इसके पीछे बेसिकली 3M टेप होती है जिससे ये फिट होता है पूरा। ये देखिए मतलब लुक भी ख़राब नहीं हुई और सेफ्टी की सेफ्टी। दोस्तों अब शुरू करते हैं इसकी सारी एक्सेसरी की प्राइसिंग। सबसे पहले शुरू करते हैं जो ये एडवेंचर स्क्रीन लगी है, इसका प्राइस है 3450 रुपये विथ टैक्स। जो भी मैं आपको प्राइस बताऊंगा वो ऑल इंक्लूसिव ही होंगे जिसके अंदर GST प्लस फिटिंग चार्जेस इंक्लूड होंगे। फिर नेक्स्ट एक्सेसरी हमारी आती है हेडलाइट ग्रिल, इसका प्राइस है 1950 रुपये। और मेरे अकॉर्डिंग ये आप सिर्फ कंपनी से ही लगाना, बाहर से मत लगाना, क्योंकि बाहर इसकी जो फिट एंड फिनिश है ना वो अच्छे से नहीं आ पाती और आपको मज़ा भी नहीं आएगा लगवाने के बाद। थर्ड आता है ये इंजन गार्ड और इसका प्राइस है 4750 रुपये और इसकी फ़िट एंड फिनिश भी देखो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये इंजन की सेफ्टी प्लस आपकी लेग की सेफ्टी दोनों की सेफ्टी के लिए ये लगवाना बहुत ज़रूरी है। चौथी एक्सेसरी है ये टॉप बॉक्स माउंट, इसका प्राइस है 2450 रुपये। मेरे हिसाब से अगर ये ब्लैक कलर में आता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, बट ये भी ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा। और ये लगवाना भी मैंडेटरी होता है क्योंकि इसके ऊपर ही आपका ये टॉप बॉक्स माउंट होता है। नेक्स्ट एंड फाइनल एक्सेसरी है ये टॉप बॉक्स, इसका प्राइस है 23250 रुपये। इसमें दो कलर आते हैं, एक ब्लैक जो मैंने लगवा रखा है और एक आता है सिल्वर। इसके साथ में आपको ये दो प्रोटेक्टर भी मिलते हैं जो मैंने अभी से लगवा लिए क्योंकि नेक्स्ट संडे मैं एक बाइक रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ। सारी एक्सेसरीज फिट होने के बाद कुछ ऐसी लग रही है हमारी बाइक और एक्सेसरीज लगने के बाद और ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है, ये और ज़्यादा बल्कि लगने लगी है। इनफैक्ट गाइज ये है इनकी पूरी एक्सेसरीज लिस्ट और अगर आप ये सारी चीज़ें लेते हैं तो उसका एक कॉम्बो है 71760 रुपीज़ का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एक चीज़ और मैं बताया था आप लोगों को, अगर आप 20,000 से 40,000 तक की एक्सेसरी खरीदते हैं यहाँ पे तो उसमें 15% डिस्काउंट मिलता है और अगर आपकी एक्सेसरीज 40,000 से ऊपर की होती है तो उसमें आप फ्लैट 20% ऑफ मिलता है। तो दोस्तों ये थी हिमालयन 450 की एक्सेसरीज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।